इतना ही, लेकिन इस बीच एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आ चुकी है। आपको बता दें कि बड़ी खबर हिमाचल से आ रही है, जहां कोरोना संक्रमण का कहर एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और राज्य के अंदर 7,109 एक्टिव केस है। और यहां आपको बता दें कि 748 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है, वहीं 46,338 लोग फिलहाल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो एक बार फिर से हिमाचल में कोरोना संक्रमण का कहर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ एक्टिव मामले 7,000 से ऊपर पहुंच चुके हैं। 7,109 एक्टिव मामले आ चुके हैं और यहाँ मौत का आंकड़ा जो है वो भी अब बढ़ा है, 748 यहाँ मौत के आंकड़ा जो है वो छू चुका है। और यहाँ आपको बता दें कि लगातार संक्रमण जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके लिए प्रशासन भी पूरी तरीके से एक बार फिर से अलर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम तरीके के जो इंतजाम हैं वो किए गए हैं, अस्पतालों में भी जो व्यवस्थाएं हैं वो पहले से ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। हालांकि इस बीच ज़रूर कुछ बाजार खोले गए थे, लेकिन अब उसको लेकर भी चिंतन मंथन किया जा रहा है। इस वक्त की बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, जहाँ हिमाचल में एक बार फिर से संक्रमण का कहर जो है वो बढ़ गया है, एक बार फिर से कोरोना लोगों को डराने लगा है। राज्य के अंदर 7,109 नए मामले निकलकर सामने आए हैं। वहीं आपको बता दें कि मौत के आंकड़े की बात अगर की जाए तो 748 से पार हो चुका है ये मौत का आंकड़ा। वहीं अगर कोरोना पॉजिटिव की बात करें तो 46,000 से ज़्यादा ये आंकड़ा पहुँच चुका है। तो एक बार फिर से हिमाचल में कोरोना संक्रमण का खतरा जो है वो गहराने लगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता विकास। अब क्योंकि कोरोना ने यू टर्न लिया है और हिमाचल में एक बार फिर से कोरोना संक्रमितों की जो संख्या वो बढ़ने लगी है, प्रशासन की तरफ से किस तरीके के इंतजाम किए हैं अब? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि अब जिस तरह से राज्य में पूरी तरह से कोरोना संक्रमण जो है वो लगातार फैलता चला जा रहा है, और ऐसे में अब राज्य सरकार जो है वो इस चीज को लेकर चिंतित जरूर है कि आखिरकार क्या ऐसे कारण हैं जिस कारण से इतनी बड़ी संख्या में जो है वो राज्य में कोरोना संक्रमण का खतरा जो है वो बन गया है। तो ऐसे में अब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के साथ साथ इन चीजों का पता लगाने में भी राज्य सरकार और विभाग, स्वास्थ्य विभाग जो है वो खास करके जुट गया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में लगातार हम देख रहे हैं कि लगातार टेस्टिंग जो है वो अब उसकी भी उसमें भी तेजी जो है वो लाई गई है। लगातार बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक एसिम्प्टोमेटिक थे और उसके साथ साथ जिनमें लक्षण जो है वो कोरोना के पाए जा रहे थे, उन तमाम लोगों की टेस्टिंग जो है वो अब की जा रही है, और टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा लोगों की जा रही है। यही एक बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि अब राज्य में कोरोना संक्रमण जो पीड़ित लोग हैं, जो पॉजिटिव लोग हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वैसे में अगर मैं बात करूं कि आज की जो मीडिया बुलेटिन यहां पर जारी किया गया है, तो अब भी मरने वालों की जो मौत का जो आंकड़ा है कोरोना का, तो वो भी 748 लोग जो है वो अब तक अपनी जांच कोरोना के कारण जो है वो गंवा चुके हैं। ऐसे में जो नए केसेज हैं, अगर रात को 9 बजे के बाद की अगर मैं बात करूं, तो 137 नए लोग जो है वो अब दर्ज किए गए हैं, उनका आंकड़ा जो है वो दर्ज किया गया है। बिल्कुल विकास, बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।